लॉकडाउन का जो फैसला है जो भारत सरकार ने लिया है, मोदी जी ने लिया है 21 दिनों के लिए, काफ़ी बढ़िया फैसला है और ऐसा ही होना चाहिए। लॉकडाउन से क्या होता है, सोशल डिस्टेंस जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से मेंटेन होता है, तो इससे कोरोना के प्रसार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। पर मुझे नहीं लगता कि एकमात्र ये एक फैसला अच्छा रहेगा, इससे भी उसमें अपने को कुछ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे मुझे लगता है कि मेरा एक सजेशन रहेगा भारतीय सरकार को, और मेरी अपेक्षा रहेगी कि ये मैसेज आप भारतीय सरकार तक पहुंचाओगे और इसको आप अच्छे से वायरल करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाना चाहिए कि जिससे क्या हो कि सभी घर घर के लोगों को उस एप्लीकेशन के बारे में पता चले। उन्होंने एक टीम हायर कर लेनी चाहिए कि एक वैसा कोई एप्लीकेशन बनाए, जैसे भी मैंने कुछ नाम सोचा है, COVID-19 सस्पेक्टेड या COVID-19 सॉल्यूशन वगैरह, जो भी आपकी तरफ से अच्छा लगता है वो ठीक है, तो वो एप्लीकेशन से फ़ायदा ही होगा। अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन से सिर्फ सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, पर उसमें जो सस्पेक्टेड आ रहे हैं जो घर में, जैसे हम घर में चार जने अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है तिवसा में, तो मुझे अगर लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स मुझ में आ रहे हैं, तो कभी कभी मुझे जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वो भी मुझे पता नहीं रहता, या मैं किसी को मोहल्ले में किसी को बताता भी नहीं, सोसाइटी में किसी को बताता भी नहीं कि मुझे कोरोना हो रहा है करके वगैरह वगैरह, क्योंकि वो लोग मुझे अलग नज़रे से देखेंगे, इससे भी मैं डर जाता हूँ। तो इससे क्या हो गया, अगर मेरे पास एप्लीकेशन रहे और उसमें अगर रहे कि स्टेट कौन सा है आपका, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका आधार कार्ड नंबर डालिए और आपका मोबाइल नंबर डालिए और उसके नीचे रहेंगे सिम्टम्स में आपको क्या क्या महसूस हो रहा है, तो ये अमुक मुझे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, तो उसमें मैं टिक मार कर दूंगा और रेस्क्यू टीम के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा, जो डेटा मेरा वाला डेटा जो आपकी टीम के पास जाएगा, तो आपकी टीम उस लड़के का लोकेशन सर्च करोगी कि ये कहाँ का लड़का है, और जहाँ का लड़का है, समझो मैं तिवसा में रहता हूँ, तो तिवसा के जो रेस्क्यू टीम है उसको आप संपर्क करोगे कि यहाँ ऐसे ऐसे नाम का एक बंदा है, तो जिसने एक मैसेज किया है कि इसको कोरोना के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो वो प्राइवेसी भी रहेगी, किसी को मतलब पता भी नहीं चलेगा जल्दी, तो उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वायरल हो गया इधर उधर, या लोगों को मतलब पता चल गया, तो चुपचाप से करके आप उसको उठा भी सकते हो और उसका आप इलाज भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो नहीं बताते हैं, मतलब बताना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि अगर बताएंगे तो ही बाकी के जो हमारे आस पड़ोस वाले लोग हैं वो बचे रहेंगे इससे। पर हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मुझे कोरोना है तो उसको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा उसको लगता भी, वैसे भी सोच वाले लोग हैं हमारे देश में, पर काफ़ी अच्छा देश के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इसमें, इसका भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पर ये मैसेज जो है, मैंने जो स्टडी किया है एप्लीकेशन का, ये आपको भारतीय सरकार तक पहुँचाना चाहिए, यही मेरी एक दरखास्त रहेंगी आपसे, और ऐसा एप्लीकेशन उन्होंने बनाना चाहिए कि एप्लीकेशन में वो उसकी खुद की क्यूरीज उसमें डाल सके और उसको बता सके, और ऐसी टीम भी आपको एक हायर करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, और अगर वो गवर्नमेंट चाहिए तो ये एक या दो दिन में ही ये काम हो जाएगा। और जिस तरीके से कोरोना वायरस जो सोशल नेटवर्क या न्यूज़ चैनल पे जैसे वायरल हो रहा है, जैसे सबको पता चल रहा है, उसी तरीके से ये एप्लीकेशन वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में वायरल हो जाएगा, एक दिन में सबको पता चल जाएगा कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है, आप उसमें आप सब कुछ डाल सकते हो और आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी और आपको चुपचाप से रेस्क्यू टीम आएगी और उठा के लेके जाएगी और आपका इलाज करेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा फैसला हो सकता है टेक्नोलॉजी का, अगर हम यूज़ करें इसमें तो मुझे लगता है कि ये कारगर साबित होगा। बाकी स्टडी आप करिए और आप इसमें थोड़ा सा अमल करिए, मुझे ऐसा लगता है। चलो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।